आप कुछ कह रहे थे ना दामाद जी? अरे कहिए ना जी। कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं जीजा जी? अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना ये कितने परेशान है, इनके घर से हमारी शादी के लिए कोई नहीं आ रहा है। ये जानते हैं हम और इस बात का दुख भी है, लेकिन देखिए सम्मान बाबू, उनका नाराज होना भी तो स्वाभाविक है। आप किसी और का शादी में आए और खुद ही अपनी शादी का नौता भेजती, भाई माँ बाप हैं वो भी तो कितना सपना देखे होंगे आपकी शादी का, लेकिन नाराज भी तो अपने ही होते हैं, कितना दिन आपसे मुंह फेर के खड़े रहेंगे। देखिए सम्मान बाबू, ऐसा सिचुएशन एक बेटे के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। एक तरफ फैमिली होती है, एक तरफ प्यार होता है, लेकिन यू डोंट वरी, प्यार से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। तो फिर ये तो माँ बाप है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर आप हमारी काकुल से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, सो टेंशन ना जी ना जी। देखिए पोएट्री हो गया। अरे अब तुम काहे मुंह लटका के बैठी हो भाई? हम कह रहे हैं ना कि सब ठीक हो जाएगा, हम कह रहे हैं ना कि सब ठीक कर देंगे। What is this, मृतिका? अभी तक पैकिंग नहीं की, हरी अपनी तो फ्लाइट मिस हो जाएगी यार। भाई जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, आई जस्ट बी रेडी भाई। दो घंटे से बस यही सुन रहा हूँ, कम ऑन फास्ट। आई डोंट बिलीव दिस, पापा इतने अपसेट हैं और तुम दोनों खुशी खुशी शादी में जाने की तैयारियां कर रहे हो। दीदी प्लीज, हाउ कुड यू शरद, पापा ने मना कर दिया वहां कोई नहीं जाएगा, फिर भी तुम। अगर तुम्हारे पापा ने मना किया था तो उसकी माँ ने बच्चों को जाने की परमिशन दी। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ दादी। अरे बात तो तेरे बाप को भी करनी पड़ेगी, मैं इस घर की बड़ी हूँ, आखिर मेरी भी तो कोई मर्जी चलेगी या नहीं। अमरनाथ का क्या, नाक पे गुस्सा लेके घूमता है। पापा आपसे तो कुछ कहेंगे नहीं, इन दोनों को एनकरेज करके आप उनके लिए प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रही हैं? कौन से प्रॉब्लम्स बोल, अमरनाथ मुझसे पूछेगा ना तो मैं उसे जवाब दे दूंगी, तुम फिक्र मत करो। और देखो 5 बजे मुझे फोन कर देना। जी माय स्वीट दादी। और बताना कि मेरी बहू कैसी है, मैं उसको देखने के लिए तड़प रही हूं। पर वैसे अच्छी होगी, सम्मान ने पसंद किया है ना। वंशिका को भी सम्मान ने ही पसंद किया था। तुम बार बार वंशिका को क्यों बीच में लाती हो, शादी हुई तो नहीं थी ना, होने वाली थी। अरे जवान लड़की लड़कियों की 1000 जगह बात ही चलती है, जब तक फेरे नहीं पड़ जाए कुछ भी हो सकता है। आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद यू, मुझे भी शौक नहीं है तुमसे आर्ग्यू करने का। अरे अब तुम लोग जल्दी करो, प्लेन उड़ जाएगा तो क्या पैदल जाओगे, कम ऑन। वो जो पहाड़ी देख रहे हैं उस पहाड़ी से लेके ये पूरा इलाका, ये सारी जमीन बाऊ साहब की, यानी कि आपकी होने वाली भाभी के पिताजी की है। पैसों की कमी नहीं है बाऊ साहब के पास, और दिल के भी बड़े रईस हैं, इतना उनका मन दयालु है। कोई भी हो, मिनिस्टर हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई उनके दर से खाली नहीं जाता। मैं तो उनको बहुत मानता हूं, काकुल को बचपन से खिलाया है मैंने,
ये समझ लीजिए कि मेरी बेटी ही है वो। वो जब छोटी थी तो मुझे कहती थी काका काका घोड़ा बन जाइए और पूरे घर में हमको घुमाइए। अब तो शादी हो रही है उसकी। मुंबई में किसी बात की कमी नहीं है मुझे, सिर्फ काकुल की बहुत याद आती है। अब तो बहुत अच्छा है मुंबई आ रही है काकुल। नेचर कैसे भाभी का? जैसा उसका सुंदर चेहरा है उतना ही सुंदर उसका दिल है। वैसे आपने बताया नहीं आपके कितने बच्चे हैं? शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे। और मैंने बताया ना, काकुल के होते हुए बच्चों की कमी कभी महसूस नहीं हुई मुझे। मुंबई में आप क्या करते हैं? इतने सारे धंधे हैं कि मुझे याद भी नहीं रहता। कभी फुर्सत में आराम से बताऊंगा। आइए, ये रहा आपकी भाभी का छोटा सा घर। वाओ, तो ये भैया का ससुराल है? इट्स अ पैलेस। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाभी का इतना बड़ा घर होगा। बम्बई में हम सपने देखते हैं कि हमारा 3 बेडरूम हॉल का घर हो, मगर यहाँ पर नौकर 3 बेडरूम हॉल में रहते हैं। गाय भैंसों को भी इससे ज्यादा जगह मिलती है यहाँ पर। और ये तो कुछ नहीं है, ट्रेलर है। कई हवेलियां, फार्म हाउस, बड़ी बड़ी जगह हैं भाऊ साहब, बहुत अमीर आदमी है। आइए आओ आओ। चलो चलो, बस हो गया। What a fun! हमारे यहाँ तो ऐसी रस्में कितनी फास्ट फॉरवर्ड में होती है। क्योंकि हमारे पास ना ही इतना टाइम है और ना ही पेशेंस। पेशेंस तो भैया में भी नहीं है। Just look at him, कैसे बोर्ड लग रहे हैं। भैया, आज आपका दिन है। You're looking so cute. But you know, एक छोटी सी कसर है। भैया एक स्माइल दे दीजिए प्लीज। Like brother. आंटी, ये पानी किसने है? तुम्हार भाभी इसी पानी से नहाएगी। What? भाभी इस पानी? ऐसा मुंह मत बनाओ, अरे तो रिवाज है। रिवाज? तो तुम्हारे भाई की शादी है ना? नहीं, चलो चलो। धर्म पत्नी मिलित्व होकम जीवन पावयो। वधु कहती है कि आज तक मैं कन्या थी और आज से आपकी पत्नी हो गई। धर्म पत्नी अर्थात अर्धांगिनी। अपने बाबुल का आंगन छोड़कर हम आपके साथ आपके घर आ रहे हैं, इस आशा के साथ कि आपके घर में हमें वही प्यार और सम्मान मिलेगा जो एक घर की बहू को मिलता है। अब से हमारे सारे सपने सिमट कर उस घर में आ गए हैं जो हमारे लिए नया जरूर है लेकिन हमारा अपना है। और हम भी अपने इस नए घर में पूरी श्रद्धा के साथ सारे रिश्तों के प्रति अपना धर्म निभाएंगे। एक दासी की तरह घर का सारा काम करेंगे, आपके कामकाज में सलाह देकर एक मंत्री का कर्तव्य निभाएंगे, रंभा बनकर आपको लुभाएंगे जिससे आप किसी और स्त्री की तरफ आग उठा कर ना देख सकें। छोटे बड़ों की गलतियों को मन से नहीं लगाएंगे, उन्हें माफ करते हुए अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेंगे। बस आप हमेशा हर कदम पर हमारा साथ देने का वादा करें।
मम्मी पापा ने शादी नहीं अटेंड करके बहुत कुछ मिस कर दिया। अब जो हो गया सो हो गया, लेट्स होप कि आगे सब कुछ ठीक हो। चलो सब बात Congratulations, Bobby. Congrats, Bobby. Congratulations, bhai. आखिर आपकी शादी हो ही गई. Jinnah, I'm very happy for you. आज घर में अंधेरा क्यों कर रखा है? किसी बात का मातम मना रहे हो क्या? मातम नहीं तो और क्या मनाएंगे अम्मा? अरे अमरनाथ, शुभ शुभ बोल, बेटा शादी कर रहा है और तू यहां अंधेरा किए बैठा है। भगवान के सामने दिया भी नहीं जलाया किसी ने। उत्तरा, तुझे क्या हो गया है? ये भी भूल गई कि आज करवा चौथ है। अपनी पति की आरती वरती करनी है कि नहीं, व्रत भी रखा है या भूल गई? मैं ही दिया जला लूं। हे भगवान, मैं तो एकदम ही भूल गई। इस लड़के ने तो सोचने लायक ही नहीं रखा। हमारी ही नहीं, बेचारी वंशिका की भी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। तो उस साल से उम्मीद लगाए बैठी है, क्या जवाब देंगे उसे, क्या कहेंगे उसे? चलिए आरती उतार लो। क्या होगा उसे? चलिए ना, जरूर मितिका का होगा। हेलो। हाय दादी। तुझे ही याद कर रही थी, तुझे कहा था ना पहुंचते ही फोन करना, इतनी देर क्यों लगा दी? दादी I'm so sorry, आप तो जानती है ना शादी का माहौल है, कितना काम होता है। वैसे भी जल्दी जल्दी में मेहंदी, शादी, you know what I mean? कैसी रही शादी? और हाँ, दुल्हन कैसी है मेरी? दादी, she's beautiful. She's just like a Barbie doll. बहुत अच्छी है और नेचर की भी बहुत प्यारी है। अच्छा, सुना बहू बहुत सुंदर है। दादी, शादी इतनी धूमधाम से हुई है कि मैं क्या बताऊँ। बहुत बड़े लोग हैं ये, महल जैसा घर है इनका। और सम्मान, वो तो खुश है ना? ऑफ कोर्स दादी, भैया दूल्हे के रूप में बिल्कुल प्रिंस लग रहे हैं और भाभी शी इज अ बार्बी डॉल, बिल्कुल प्रिंसेस लग रही है। दे मेक अ परफेक्ट कपल। उन्हें मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देना और कहना दादी उन्हें मिलने के लिए बहुत बेचैन है, जल्द से जल्द मेरे पास आना। ओके दादी, आई विल डू दैट। अब मैं रखती हूँ। ओके बाय। कल तक तो आपको वंशिका बहुत पसंद थी और आज आप उस लड़की को मिलने के लिए बेचैन हैं, जिसने हमारे घर में आने से पहले हमारे बेटे को हमसे छीन लिया। आपने एक मिनट को भी सोचा है, जब वंशिका को पता चलेगा कि सम्मान की शादी हो गई है, उसके दिल पर क्या गुजरेगी? वंशिका दीदी, चांद निकल आया है।
वंशिका दी आप तो खुद ही चांद लग रही है। अरे बिल्कुल पागल है ये लड़की। तुझे कितनी बार समझाया कि ये व्रत सिर्फ शादीशुदा औरतें ही रखती हैं, लेकिन मेरी बेटी को सभी नहीं होता। बुआ जी, जब किसी को मन से ही जीवन साथी बना लिया हो तो रिश्ता तो अपने आप ही जुड़ जाता है ना। आई नो आई एम नॉट मैरिड टू सम्मान येट, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को तो अपना मान ही चुके हैं ना, तो मैं उसके लिए व्रत क्यों नहीं रख सकती। और वैसे भी आज तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हर जन्म में सम्मान ही मेरा जीवन साथी। अच्छा पापा, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करें। थैंक यू पापा। धनराज, सब कुछ ईश्वर पर ही छोड़ दोगे या खुद भी कुछ करोगे? क्यों नहीं इसकी शादी जल्दी से करवा देते। बस सम्मान लौट आया फिर जाकर बात कराता हूँ अमरनाथ जी से, और इस बार तो डेट फिक्स करके ही रहूंगा। और वैसे वो लोग भी बरसों पुरानी दोस्ती और पार्टनरशिप को रिश्तेदारी में बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। It will be a big family now. भाई तुम लोग बैठो, मैं तो सोने जा रही हूँ। इस कौन हो सकता है?
माँ वंशिका इस वक्त कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि सम्मान ने शादी कर ली। जो भी है सामना तो करना ही होगा ना भाई, प्लीज सलाह दे। कैसी लग रही है साड़ी में? नाइस ना। हाय देविका। नमस्ते अंकल। नमस्ते दादी। हाय तुलिका। हेलो आंटी। वो प्रसाद लेकर आई, वो आज करवा चौथ है ना, तो मैंने व्रत रखा था सम्मान के लिए, मैंने सोचा आप लोगों का आशीर्वाद ले। आप लोग इतने चुप क्यों हैं? आंटी आंटी आप रो क्यों नहीं है? क्या बताऊं? सम्मान। हाँ क्या सम्मान? क्या देविका, देविका तू बता क्या हुआ सम्मान को? He's okay ना? सम्मान is just fine. उसे क्या होगा? मजे कर रहा है वो। गया था अपने फ्रेंड की शादी अटेंड करने के लिए, लेकिन खुद ही शादी कर ली उसने। बट सम्मान ने शादी कर ली है बच्ची का। सम्मान ने शादी कर ली है किसी और के साथ। सम्मान ने शादी कर ली है बच्ची का।